सोलन क्षेत्रीय अस्पताल से एक युवती का पर्स चोरी हो गया है, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए कैमरे खराब पड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवती इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन जब वह दवा खरीद रही थी तो उसके बैग से किसी ने पर्स को चुरा लिया, जिसकी शिकायत युवती ने अस्पताल प्रशासन से की। जहां ये चोरी हुई थी वहां लगा सीसीटीवी कैमरा भी चालू हालत में नहीं था। अगर ये कैमरा ठीक होता तो चोर को पकड़ा जा सकता था, जिसके चलते युवती ने गहरा रोष व्यक्त किया और कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पीड़ित युवती शालिनी शर्मा ने बताया कि वे इलाज करवाने के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उसके बैग से किसी ने पर्स निकाल लिया। युवती ने बताया कि पर्स में जमा पूंजी के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और एटीएम कार्ड भी मौजूद थे। शालिनी ने बताया कि उसने और दवा खरीदने के लिए अब पैसे नहीं थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सिरमौर से सोलन आई हुई हैं। जो घर से पैसे मिले थे वो पर्स में रखे हुए थे, लेकिन वह पैसे किसी ने चोर लिए हैं, जिसके चलते अब वे काफी मुसीबत में हैं। शालिनी ने कहा कि यहाँ के कैमरे भी नहीं चल रहे हैं, जो अस्पताल प्रशासन को दुरुस्त करवाने चाहिए। मेरा नाम शालिनी शर्मा है, मैं बेसिकली सिरमौर से हूँ और मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाने आई थी। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर, मतलब मैंने मेडिसिन ली और मेरे पास बॉटल में पानी नहीं था, मैं दवाई खाने के लिए बाहर आई और मेरा पर्स मैंने बैग में रखा था, मतलब साइड जेब में था। वो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कि मैंने जिप लगाई थी कि नहीं लगाई थी। मैं जस्ट बैठी वहाँ और वहाँ से मैं जैसे ही बाहर आई मेरा पर्स ही गुम हो गया था। मुझे यहाँ आके ध्यान आया कि मेरा पर्स नहीं है, और जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पे पर्स ही था। फिर मैंने यहाँ पे प्रशासन में भी बताया और उन्होंने चेक भी करवाया सीसीटीवी कैमरा, बट जो बीच की मतलब है जगह वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं चल रहा है, वो ख़राब है। और मेरा तो उसमें एटीएम है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कैश भी था उसमें, काफ़ी कुछ था। मुझे तो अभी और भी अपना चेकअप करवाना था, दवाइयाँ ख़रीदनी थी, उसके लिए भी मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं बचे, सारा उसमें ही था। मैं स्टडी कर रही हूँ यहाँ पर, रह तो मैं यहीं रही हूँ, बट मेरे तो रूम में भी कुछ नहीं है, सारा कैश उसमें ही था पर्स में, वो भी अवेलेबल नहीं है। ये मैं प्रशासन की लापरवाही मानती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ का सीसीटीवी कैमरा ठीक होता तो इस टाइम तक मुझे मेरा पर्स भी मिल गया होता। हाँ, ये वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, कभी भी किसी का भी कोई भी सामान गुम हो सकता है। तो एक ही तो जरिया है सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए ही वो हमें प्राप्त हो सकता है।